हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं हूं अभी अपने सेंटर पे और मैं जा रहा हूं आज यहां पर जो हमारा एक सर्वे हो रहा है, इम्यूनाइजेशन बच्चों का टीकाकरण, ENC का टीकाकरण, इसको लेके एक सर्वे हो रहा है। तो वहाँ पे हमें जो हम CHOs हैं, हमें सुपरवाइजर बनाया गया है, तो हमें यहाँ पर देखने जाना है फील्ड में कि जो आशा इन आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो वहाँ पर जो सर्वे है किस तरीके से कर रहे हैं। और अभी मैं वो अपने सेंटर पर, और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा फलवाड़ी, वहाँ पर मुझे जाना है और वहाँ से देखते हैं वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर सर्वे हो रहा है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें इस व्लॉग में, आपको पूरा मजा आएगा। मैं दिखाऊंगा कि गांव में जो गांव है कैसा है और यहां पर आज हम क्या करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें, आपको आएगा पूरा मजा। तो मिलते हैं आपको सीधे गांव में, क्योंकि यहां से लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है, तो मैं निकलता हूँ। साथ ही दोस्तों, मुझे एक और काम भी है आज, मुझे सोलुशन स्कूल है यहाँ पर, उसमें जाना है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन एक कंपटीशन कराया था बच्चों में, तो उनके जो प्राइजेज हैं वो आज डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो जल्दी से ये काम निपटा के फिर हमें स्कूल में भी जाना है। तो दोस्तों, अभी पहुँच चुका हूँ मैं ग्राम फलवाड़ी में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आए हैं हम फलवाड़ी गांव में, जहां पर सर्वे हो रहा है बच्चों का टीकाकरण। हमारे साथ हैं आशा जी और एनम जी, जो कि काफी मेहनत कर रहे हैं। देखो देखो दोस्तों, गांव इतने दूर दूर है, आप देख सकते हैं हम पैदल यहां पर लगे हुए रास्ते। अभी बच्चे रुक जा, बस वही चुप करा जा रहा घर में। तो यहाँ पे मिले हमें तीन बच्चे, चार बच्चे, जहाँ जिनका जो इम्यूनाइजेशन है लगभग इनके एज के अकॉर्डिंग पूरा है। हाँ, करो नोट करो इनका नाम। तो दोस्तों, जो यहाँ पर नियमित टीकाकरण होता है बच्चों का, उसमें से जो बच्चे छूट जाते हैं, जो जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाता है, उनका भी गांव में जाकर सर्वे कर रहे हैं आशा और एनम जी और आंगनवाड़ी वर्क। तो उनके सुपरविज़न के लिए हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। तो अभी मैंने जब किया था तो काफ़ी अच्छे से वो लोग कर रहे हैं। जो नियमित टीकाकरण जिनका होता है, उनमें से जो छूट जाते हैं, फाइंड आउट किया जा रहा है और फिर उनका एक सेशन के लगा कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने रख लिया है। क्या नाम है आपका? है आकांक्षी। क्या नाम है आपका? करिश्मा। तो दोस्तों, अभी आए हम ग्राम सभा मणकोली में, जहाँ पर होगा आज का जो हमारा सर्वे है। तो चलते हैं और देख। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब अपने सेंटर के लिए, वहाँ मुझे जाना है और वहाँ से फिर एक स्कूल में जाना है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है बच्चों में जो हेल्थ डे करवाया था उसकी एक्टिविटी का। दोस्तों, अभी हम आए थे फिर से जो हम आज का सर्वे था वो करके, और अभी हम जा रहे हैं स्कूल में जो बच्चों के दिन है प्राइजेस। तो अभी जस्ट निकल रहे हैं, अभी शाम के 3 बज चुके हैं और अभी स्कूल भी ख़त्म होने वाला है, तो जस्ट निकल रहे हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधे स्कूल में। दोस्तों, ये है अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सोलुशन, तो भी चलते हैं। दोस्तों, अभी आए हम सोलुशन स्कूल में,
प्रिंसिपल सर का ऑफिस, सर अभी आएंगे और उसके बाज हम यहाँ पर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज का वो करेंगे। आपको पता होगा कि दिनांक 14 तारीख को यानी कि बाल दिवस के दिन हमने वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया था, याद है ना सबको? उसमें जो पेंटिंग या पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई थी। दीपक जी आ रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमें बताना आपको सभी का पुरस्कार मिलता है। परिणाम तो हमारे पास है जो पुस्तक प्रतियोगिता हुई उसमें पीछे नंबर पर है चांदी क्लास लेवल। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर बोला था और शायद आप लोगों का बीपी भी नापा था। देखो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ठीक है ना? ये योग भगाए रोग, तो हमें ना स्वस्थ रहना चाहिए तन से भी और मन से। और बहुत अच्छी बात है, मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से दीपक सर का और मैडम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में करवाई, बच्चों को पुरस्कार दिया। आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप जो है आगे फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन होगा, कोई भी प्रतियोगिता कराई जाएगी तो आप यही बोलना चाहूँगा कि जो ऐसी एक्टिविटी हम कराते हैं ना, इसका मेन मोटिव क्या है कि आप लोगों का जो स्किल है उसको डेवलप करना, जो झिझक है आप लोगों की वो दूर करना, ठीक है? तो आप लोग आगे आओ और ऐसे ही कंपटीशन जो हम करवाएंगे या स्कूल में जो भी होते हैं इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लो, ठीक है? ये कि जितने आप हो बच्चे यहाँ पर सारे के सारे कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें अगर आप पहले तो खुद से नहीं तो ये सोच के हमें भी कुछ मिलेगा, ठीक है? तो ये सोच के आप हमेशा प्रतिभाग करो, इसमें आपका मतलब हमेशा कुछ अच्छा ही होगा। तो धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ स्कूल में प्रोग्राम तो अभी ख़त्म हो चुका है और यहाँ से निकल रहे हैं आप सीधे घर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें। अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको पूरा मज़ा आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।